बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में। आज का चैप्टर लक्ष्मी नारायण राजयोग के बारे में सीरीज में प्रत्येक लग्न को हम लेते जा रहे हैं। तो कर्क लग्न तक की हमने बात कर ली थी, जो कि चैप्टर 192 था। आज का चैप्टर है हमारा 193, जो कि बेस है सिंह लग्न के बारे में। ये सिंह लग्न की कुंडली इस प्रकार से आपके पास में भी होगी। लगन में ही 5 नंबर लिखा होगा और बुध और शुक्र की युति को हमको देखना है, कहां कहां कौन कौन से भावों में ये किस किस प्रकार से लाभ दे सकती है, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारी चीजें हमको इधर चेक करनी है। और नहीं बनेगा तो क्यों और कहां कहां नहीं, तो वो सारी चीजों के लिए आप एक बार बेसिकली 189 चैप्टर देख लीजिए। यदि पहली बार लक्ष्मी नारायण राजयोग के बारे में आप सुन रहे हैं, पहली बार इस चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिला है, तो निश्चित तौर पर पहले ये देख लेना चाहिए, इसमें समझ जाना चाहिए आपको। चाहे तो एक बार इसकी रीड करके भी समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। बाकी आप वॉइस के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो चैप्टर में आपको पूरी तरह से समझाया जा चुका है वहां पे कि किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए बात करते हैं। सर्वप्रथम एक फॉर्मूला, जिस भी लगन की बात कर रहे हैं वहां बुध और शुक्र ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे, लेकिन अनिवार्य रूप से शर्त दोनों योग कारक होने चाहिए। तो बात कर लेते हैं सूर्यदेव के इस लगन में, इकलौती राशि सूर्यदेव की, उन्होंने बुध और शुक्र को इस कुंडली में क्या स्थान दिया है, क्या जगह दी है। तो बात करें, सूर्य आते हैं देवता टीम में और शुक्र आते हैं दानव टीम में, तो निश्चित तौर पर दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन कुंडली अनुसार एक नियम, यदि एक केंद्र की राशि हो और बाकी दूसरी त्रिक भाव में कहीं भी बैठी हो, गलत भाव में कहीं भी बैठी हो, तो निश्चित तौर पर वो योग कारक हो जाते हैं। अगर दुश्मन है तो दुश्मन की वजह से, परस्पर दोनों दुश्मन है तो दोनों उस वजह से भी योग कारक भले थोड़ा सा कम रहे, लेकिन मारक किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। यानी बीच की जो हमारी कैटेगरी है वो सम कहलाती है, तो सम माना जा सकता है या फिर सम से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर मान करके योग कारक ही माना जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा भाव एक मेहनत का भाव। बात करते हैं दूसरे नंबर में बुध की, तो बुध से सूर्य की मित्रता ही है और घर भी बहुत अच्छे दिए हैं, दोनों के दोनों धन भाव दिए हैं, एक आय भाव है एक धन भाव है, और ये दोनों परस्पर लक्ष्मी से संबंध बनता है। नेचुरली इस कुंडली के अंदर महालक्ष्मी योग जैसी स्थितियां बनती है, बस अगर बुध इन दोनों में से कहीं भी प्लेस हो जाए तो एक नेचुरल महालक्ष्मी योग की संभावना तो कुंडली में बन ही जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति मानी जाएगी कि इस तरह से इनका प्लेसमेंट मिला है। तो बात करते हैं बुध और शुक्र की, यदि लगन में ही बैठे हो, निश्चित तौर पर बुध और शुक्र दोनों ही योग कारक हो गए, क्योंकि प्लेस अच्छी जगह हुए हैं। शुक्र ने दी लग्जरी और बुध ने दिया वाक्पटुता का एक गुण, बुद्धि वाणी हर प्रकार का ज्ञान, जिससे खूबसूरती और वाणी का एक बहुत अच्छा संगम, एक बहुत अच्छा अनूठा मेल मिला है, जो कि एक शानदार राजयोग का निर्माण करता है। यानी हर तरह से देखने लायक होगी ये स्थिति, अगर किसी के है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और स्वयं चेक करें जैसा कि यहां बताया जा रहा है, क्या उसके साथ में वो परिस्थितियां हैं। निश्चित तौर पर सुंदरता का धनी और बोलने में भी एकदम एक्सपर्ट, तो जब ये दो चीजें मिल जाएं तो बरबस ही लोगों की नजरें टिक जाती है, बरबस ही लोगों का ध्यान खिंचता है, और कई बार तो इन परिस्थितियों के अंदर एक स्टार जैसी क्वालिटीज उसके अंदर आ जाती है, फेमस होना उसका पहला गुण हो जाता है। और सूर्य का लगन है तो कहने ही क्या, सूर्य की अगर अच्छी स्थिति कुंडली में कहीं है तो फिर निश्चित मान के चलिए सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, बल्कि एक सफलता की सीढ़ी का जो पहला स्टेप है, सफलता की तरफ बढ़ने का जो पहला स्टेप है, वो तो जन्म लेते ही उन्हें प्राप्त सा हो गया है। बाकी कुंडली में क्या स्थितियां हैं उसके अनुसार भी कुंडली का बहुत बड़ा असर जीवन पे आता है, यहां होने से ये लाभ। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, तो शुक्र हो गए यहां पर नीच और बुध हो गए यहां पर उच्च, तो ये एक बहुत बढ़िया कंडीशन। सबसे पहले तो बन गया नीच भंग राजयोग और दूसरे नंबर पे आ गया हमारा लक्ष्मी नारायण राजयोग। कुंडली में अगर ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हो तो उसका भी हमको फायदा मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं छठी राशि में अगर केंद्र के अंदर ये स्थिति हो तो भद्र नाम का राज योग बन जाता है। लेकिन ये जो घर है ये भी कोई कमजोर घर नहीं, यहां पर भी अगर बुध है तो उसका फायदा निश्चित है, भद्र योग के समान भले 50% ही मिले, हमको कहीं ना कहीं इन सब का लाभ मिलता है। तो दो अच्छे राजयोग और बुध का अपनी राशि में बैठने से एक बढ़िया राजयोग भद्र नाम का, हालांकि बनेगा नहीं, लिखने में नहीं आएगा, शास्त्रार्थ नहीं है, लेकिन अपनी राशि का लाभ तो जरूर लेंगे, अपनी जगह पर उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलना है। तो ये स्थिति यहां पर हो गई। आगे बात करते हैं शुक्र की स्वयं की राशि, शुक्र यहां आ गए तो अपने घर के लिए अच्छा हो गया, मेहनत के मामले के अंदर थोड़ी स्थिति ठीक होगी, लेकिन धन भाव का यहां पर चले जाना उतना उचित नहीं। हर बार मेहनत करके ही पैसा मिलेगा और जितना मिलेगा वो असंतुष्टि भरा होगा, कहीं ना कहीं
उस पैसे से खुशी नहीं होगी, हमेशा मन में टीस उठेगी कि यार इतने पैसे के हकदार थे, लेकिन इतना ही हाथ है, यानी जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट नहीं। तो 10% से ज्यादा का लाभ हम यहां मान नहीं सकते, इससे ज्यादा की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि घर खराब है। और जब घर खराब हो, घर का खराब का मतलब बहुत मेहनत करने के बाद, आज जब हर काम बटन दबाने से हो रहा है तो अब मेहनत कौन करे। वो जमाना गया जब आदमी हल लेकर के खेत में चल जाता था और अपने मेहनत से खेत उगा लेता था, अब वो समय नहीं रहा। अब समय है हर काम को मशीनरी से करना, क्योंकि हम ना तो उतने मेहनती रहे, ना ही शरीर में उतना बल रहा कि चाहे जैसे कर लें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे काम होता गया, और यहां पर वो चीजें फेवरेबल नहीं रह जाती। आगे बात करेंगे चौथे घर में, तो चौथा घर जो है इन दोनों के लिए ही अच्छी बात है, कोई किसी प्रकार का दोष या नहीं। शुक्र का तो कारक भाव हो गया, तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बेहतरीन तरीके से काम करेगा, जीवन में सुख सुविधाओं की सदैव भरपूरता बनी रहेगी, कभी कमी होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं मिलेगी। उम्र आते आते या सही समय आते आते इंसान अपने लिए वो सारी चीजें प्राप्त कर लेगा जो उसे चाहिए। बात करते हैं पंचम भाव में बुध का, यहां पर बुद्धि से सीधा सीधा कनेक्शन, निश्चित तौर पर बुद्धि के मामले में बलवान, और यहां से अपने घर को देखता हुआ आय के मामले में सदैव प्रबल, यानी दोनों स्थितियां बढ़िया। और शुक्र की भी स्थिति यहां होने से फायदेमंदी है, क्योंकि इस कुंडली के एक अच्छे योग कारक ग्रह हैं, इसलिए हर हाल में यहां पर बेनिफिट। बात करते हैं यहां पर, तो ये स्थिति दोनों के लिए ही उचित नहीं, क्योंकि बुध का भी कोई कनेक्शन त्रिक भाव से नहीं है, कोई राशि नहीं है, और शुक्र की भी यहां कोई राशि नहीं है, इसलिए यहां पर कोई राजयोग नहीं, नुकसान ही होगा। जब जब भी इनकी दशाएं अंतरदशाएं आएंगी, निश्चित तौर पर नुकसान की एक स्थिति पैदा हो जाएगी, बल्कि नुकसान हो ही जाए इसलिए सदैव ध्यान रखने की जरूरत है। बात करते हैं यहां पर, तो जैसा मैंने पिछले चौथे लग्न में बताया था, यहां पर बैठे हो तो निश्चित तौर पर सुंदर, सुशील और गुणवान और बुद्धिमान बीवी के योग बनते हैं शुक्र के होने की वजह से, लेकिन बुध मारक थे तो इस चीज में कमी कर सकते हैं, लेकिन यहां दोनों ही पॉसिबिलिटी है तो एक बहुत अच्छी स्थिति है। यानी जीवन साथी के मामले में इंसान बड़ा सौभाग्यशाली हो जाता है, बड़ा खुश नसीब हो जाता है अगर ऐसी स्थिति में हो तो ये अच्छी स्थिति, बेहतरीन यहां पर राजयोग की। बात करते हैं यहां पर, तो शुक्र यहां पर उच्च के हो जाएंगे और बुध यहां पर नीच के हो जाएंगे। स्थिति अनुसार अगर देखें तो नीच भंग राजयोग एक जरूर बन सकता है, बाकी लक्ष्मी नारायण राजयोग की संभावनाएं इस कुंडली में यहां पर उतनी प्रबल नहीं, या बिल्कुल ना ही माने तो ही ज्यादा अच्छा है। या हो सकता है अगर इस प्रकार का कोई राजयोग बन रहा है तो 10% लाभ मिल जाए, बाकी मेरी तरफ से मैं उसको भी मनाई करूंगा, क्योंकि भाव त्रिक है और शुक्र का कोई कनेक्शन यहां पर है नहीं, ना ही बुध का कोई सीधा सीधा कनेक्शन है, सिर्फ नीच भंग का लाभ ले सकते हैं। इसलिए माना जा सकता है कि उस एक योग की वजह से कुछ 10% 15% या थोड़ा और ज्यादा लाभ मिल जाए, बाकी लक्ष्मी नारायण राजयोग का कोई लाभ यहां मानना सबसे बड़ी भूल हो सकती है, उसके बलबूते पर कोई कार्य करना उचित नहीं होगा। बात करते हैं भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव की स्थिति बेहतरीन, काफी अच्छा, अगर इस तरह की यहां स्थिति मिलती है तो एक राजयोग का निर्माण होता नजर आ रहा है, जो कि लक्ष्मी नारायण राजयोग है। बात करते हैं आगे दशम भाव, खुद की राशि शुक्र की, तो सर्वप्रथम तो मालव्य नाम का राजयोग, बुध अगर यहां बैठे हैं तो व्यापार के अति विशिष्ट कारक यहां माने जाते हैं, बहुत बढ़िया स्थिति है। हालांकि राजयोग जैसी कोई बात नहीं, लेकिन बुध का यहां बैठना व्यापारी को व्यापार करने के लिए अच्छी स्थितियां पैदा करना, या स्वभाव से ही व्यापार के गुण उसके अंदर आ जाना, ये स्थितियां बन जाती है, और लक्ष्मी नारायण राजयोग तो यहां बनना निश्चित हो ही जाएगा, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। बात करते हैं आगे बुध की स्वयं की राशि, निश्चित तौर पर एक अच्छी स्थिति, और शुक्र भी अपने मित्र की राशि में बैठ करके यहां निश्चित तौर पर योग कारक ही है, और लक्ष्मी नारायण राजयोग का लाभ पूरी तरह से यहां देंगे। बात करते हैं ट्वेल्थ हाउस में, तो चलिए ट्वेल्थ हाउस में इस बार आप बताइए कि यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो क्यों बनेगा, क्या फायदा मिलेगा, और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, या क्या उसकी स्थितियां हैं। तो दोस्तों ये चीज इस तरह से आपको बतानी है, बाकी ये चैप्टर 193 और इसी के साथ में लक्ष्मी नारायण राजयोग सिंह लगन तक पूरा हुआ। अगले चैप्टर में कन्या लगन के बारे में बात करेंगे, क्या उसमें स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, कैसे क्या फायदा लाभ, और हमको हर अलग अलग भाव में क्या मिल रहा है, बिल्कुल चेक करेंगे उसको। तब तक के लिए इस चैप्टर के कमेंट का जवाब दीजिए, और कुछ नहीं समझ आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।